Hi guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the restriction mapping examples. Restriction mapping is very important for various competitive examination like CSIR, GATE or GATE Biotech or DBT GRF examination. ठीक है, तो हम उनके बारे में देखेंगे वन बाय वन, सॉल्यूशंस देखते हैं कि उनको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है. अगर आपने मेरा रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का वीडियो नहीं देखा है, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन मैपिंग का, तो वो ज़रूर देखिए. यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी. ठीक है, वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फॉर्म में मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ. प्लीज़ फॉलो करिए और वहाँ पे वीडियोस देखिए एंड सॉल्व करिए जितना ईजी हो सके. ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो फॉर वेरियस एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द रिस्ट्रिक्शन मैपिंग. सो लेट्स सी वन बाई वन. फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन एंड इन दिस क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो. The figure below is a schematic of a linear double stranded DNA containing indicating restriction sites. ठीक है, यहाँ पे जो DNA दिया हुआ है उसका restriction site दिया हुआ है PUV2 and EcoR1. Okay, the DNA was completely digested with PUV2 and EcoR1. They said it is completely digested with PUV2 and EcoR1. ठीक है, देन द प्रोडक्ट वर प्योरीफाइड एंड एडेड टू द अप्रोप्रिएटली डिफरेंस बफर्ड रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग अल्फा 32 फॉस्फेट ATP. दैट मीन्स इट इज़ अ रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फेट, एंड इफ इट इज़ अ रेडियो एक्टिव लेबल देन यू कैन सी ओनली द स्टिकी इंडेड बैंड्स ऑन द ऑटो रेडियोग्राम. ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी ऑटो रेडियोग्राफ की बात करें या जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो कहाँ पे ऐड किया जाएगा. वो सिर्फ और सिर्फ स्टिकी इंडेड एंड्स पे ऐड किया जाएगा, ना कि ब्लंट इंडेड. ठीक है, स्टिकी इंडेड और ब्लंट इंडेड में डिफरेंस क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा रिस्ट्रिक्शन RDT के जो वीडियोज़ हैं वो देखें, और उसमें मैंने एक वीडियो में बताया है कि वो कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा जो रिस्ट्रिक्शन इंडियो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ में कि ब्लंट इंडेड क्या होता है और स्टिकी इंडेड क्या होता है. देन आफ्टर द क्लीन आउट फ्रेगमेंट्स, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि क्लीन आउट फ्रेगमेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स वेयर एनालाइज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राफी. ठीक है, तो उसके बाद जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो भी आपका रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फेट्स होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, वो सिर्फ स्टिकी एंडेड पे एक्ट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपके पास DNA फ्रैगमेंट है. DNA फ्रैगमेंट में दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, PUV2 and EcoR1 first. ठीक है, एंड द साइज ऑफ DNA इज गिवन 2 KB फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द PUV2. PUV कट द DNA, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन कटिंग दिखाया हुआ है PUV का देखिए, ये सेम बेस पे कट कर रहा है ऊपर नीचे. दैट मीन्स इट क्रिएट्स द ब्लंट एंडेड फ्रैगमेंट्स. एंड EcoR1 यहाँ पे सेम बेस पेयर पे नहीं कट कर रहा है, डिफरेंट 5' एंड्स पे दोनों साइड कट कर रहा है. मतलब कि ये किस पे कैसे क्रिएट करेगा, ये जो क्रिएट करेगा वो स्टिकी एंडेड फ्रैगमेंट्स क्रिएट करेगा. ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस DNA को डाइजेस्ट करिए, कंप्लीट डाइजेस्ट करिए PUV2 and EcoR1 first से. ठीक है, जब डाइजेस्ट करेंगे तो यू विल गेट 2 KB बैंड विथ ब्लंट एंडेड एंड 3 KB विथ स्टिकी एंडेड एंड 1 KB विथ स्टिकी एंडेड. तो जो अल्फा 32 फॉस्फेट ATPs होंगे, DATPs, वो किस पे लाइगेट करेंगे, 3 KB एंड 1 KB, बिकॉज दीज टू फ्रेगमेंट्स आर स्टिकी इंडेड फ्रेगमेंट्स. ठीक है, सो उस पे लाइगेट करेंगे. देन यू विल गेट 2 बैंड्स आफ्टर रनिंग ऑन द एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. दीज 2 बैंड्स विल बी 3 KB एंड 1 KB. ठीक है, क्लियर है आपके, तो बैंड्स देखिए. ठीक है, अगर हम बैंड्स देखें यहाँ पे तो सिर्फ 2 बैंड्स अपीयर होंगे, यानी कि बी ऑप्शन ऐसे ही आउट हो रहा है. एक है 1 KB का, 1 KB किस में सी और ए में 1 KB है. अब दूसरा बैंड कौन है, 3 KB का, यहाँ पे सी ऑप्शन में 2 KB का है जबकि यहाँ पे 3 KB. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी रेडियो, जब भी ऑटो रेडियोग्राफी की बात करें तो आपका जो ऑटो रेडियोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लंट एंडेड फ्रैगमेंट्स को अपीयर या विजुलाइज करेगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टिकी एंडेड को, ब्लंट इंडेड को नहीं, इसको करेगा स्टिकी इंडेड को करेगा. ठीक है, सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो फ्रैगमेंट है वो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है कि एन ऑटो रेडियोग्राम बिलो. ठीक है,
after electrophoresis and southern blotting shows human DNA digested with a specific restriction enzyme and probed with labeled ribosomal RNA. ठीक है, यहाँ भी probe की बात की जा रही है. In autoradiogram on the left, the probe was 20 sRNA and the right probe was 18 sRNA. ठीक है, यहाँ पे जो ऑटो रेडियोग्राम का बैंड दिया है ये 20 sRNA है और ये 18 sRNA है. If the arrows in the following maps locate the recognition site. ठीक है, ये जो maps हैं यहाँ पे उसमें क्या है कि वो रिकॉग्निशन साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो विच मैप बेस्ट एक्सप्लेन द रिजल्ट शोन बिलो. ठीक है, इसमें से कौन सा जो रिजल्ट है वो शोन बिलो कर रहा है. तो आप यहाँ पे पहले ऑटो रेडियोग्राम देखिए. ठीक है, ऑटो रेडियोग्राम में देखने के बाद आपको पता है कि जब प्रोब हम कर रहे हैं तो 18S का कितना फ्रैगमेंट मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है, और 28S का टू फ्रैगमेंट्स मिल रहा है. दैट मीन्स कि अगर 28S के टू फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 20S के बीच में, और एक 18S के आसपास होगा, 18S के बीच में नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि उसके सिर्फ सिंगल फ्रैगमेंट मिल रहे हैं. पहले ऑप्शन में देखिए एक रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे है, एंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे. तो इसमें आपका 20S का कोई भी फ्रैगमेंट, दो फ्रैगमेंट मिल सकते हैं क्या इसके, इस डाइजेशन के बाद? नहीं मिल सकते. थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि 18S पे जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. दैट मीन्स कि यहाँ से अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो आपको 18S के दो फ्रैगमेंट मिलेंगे, ना कि 20S के. तो ये भी ऑप्शन गलत है. बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में क्या है कि एक यहाँ पे कट कर रहा है तो आपको एक प्रोब तो 18S पे मिल जाएगा. यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन साइट 21S पे है, 28S पे. ठीक है, 28S पे, तो मतलब यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब आप कम्प्लीटली डाइजेस्ट करेंगे तो आपको एक फ्रैगमेंट छोटा मिलेगा 2.54 बेस पेयर का एंड एक 13.5 किलो बेस पेयर का. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है. और ऑप्शन डी भी एक बार देख लीजिए, इसमें एक 18S पे है, एक 28S पे है. मतलब कि एक फिर इस डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कितने बैंड मिलने चाहिए थे 18S में? दो बैंड 18S में भी मिलने चाहिए थे और दो बैंड आपको 20S में मिलने चाहिए थे, जबकि ऐसा ऑटो रेडियोग्राम में अपीयर या विजुलाइजेशन नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. तो ऐसे केसेस में जब आपके जितने बैंड्स अपीयर हो रहे हैं, मतलब है कि आपको 28S में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगा जो कि उसको दो फ्रैगमेंट में डिवाइड कर रहा है, तभी आपके प्रोब्स उससे बाइंड करके आपको बैंड विजुलाइज कर पा रहे हैं. क्लियर है? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा. ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा या मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.